Before we move on, as I told you that we are now in lecture number 32. Yesterday, I told you a history about the cubic equations of state. मैंने आपको बताया कि cubic equation of state क्या होते हैं, उनका ideal gas equation of state से क्या difference है और उनका advantage क्या है. उसके बाद मैंने आपको बताया कि हर cubic equation of state का जो root है, वो van der Waal equation of state है. वान डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट के अंदर दो पैरामीटर हमारे पास कांस्टेंट आते हैं, ए और बी. हर इक्वेशन ऑफ स्टेट के अंदर आपके पास ये दो पैरामीटर आएंगे, ए और बी. ए जो होता है वो अट्रैक्टिव पोटेंशियल होता है या आपके कंप्रेशन फोर्सेस होते हैं, इसके जो यूनिट्स होंगे वो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर होंगे. और जो बी होगा वो हमारा करेक्टिव वॉल्यूम फैक्टर होता है, इसके जो यूनिट्स होंगे वो वॉल्यूम के यूनिट्स होंगे. चार क्यूबिक इक्वेशन ऑफ स्टेट हैं, हर क्यूबिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के अंदर ए और बी की वैल्यू डिफरेंट निकलेगी. क्लोज टुगेदर होती है बट वैल्यू डिफरेंट होती है. वो किस तरह हम डिटरमिन करते हैं, जो हम सब्सटेंस यूज कर रहे हैं या हमारा रेफरेंस पॉइंट है उसको हम उस टेम्परेचर पे हम क्रिटिकल आइसोथर्म जो है, जिसका मतलब क्रिटिकल आइसोथर्म क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे ड्रॉ की जाती है, उसके ऊपर जो होता है वहाँ पर ग्रेडियंट आपका जीरो होगा. विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम द फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव विल बी जीरो. यूजिंग दिस आइडेंटिटी ऑफ मैथमेटिक्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर एक्सपर्ट्स मैनेज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. यानी हर क्यूबिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए आपने ये प्रोसेस की है. अब ये जो ए और बी है ना, ये सब्सटेंस डिपेंडेंट नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन डिपेंडेंट है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वान डर वाल इक्वेशन लूँ और लेट से माय ए की वैल्यू 1.1 है, बी की वैल्यू 5 है, डमी वैल्यूज हैं, चाहे मैं हेक्सेन लूँ, चाहे मैं हेप्टेन लूँ, चाहे मैं ऑक्टेन लूँ, चाहे मैं कार्बन डाइऑक्साइड लूँ, जो सब्सटेंस लूँ मेरी ए और बी की वैल्यू यही वैल्यूज रहेंगी, ये वैल्यूज चेंज नहीं होंगी. अगर मैं यही चार कंपोनेंट्स लूँ कोई दूसरे इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए, पेंग रॉबिन्सन के लिए, तो मेरी ए और बी की वैल्यू डिफरेंट होंगी, बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहेंगी. अगर मैं उसको 9 बार पे कर रहा हूँ, 10 बार पे कर रहा हूँ, या जो भी मेरी कंडीशंस हैं, दोज कंडीशंस विल नॉट चेंज. क्रिटिकल टेम्परेचर विल नॉट चेंज, क्रिटिकल प्रेशर विल नॉट चेंज. द ओनली पैरामीटर्स विच आर गोइंग टू चेंज वुड बी ए एंड बी. तो आप ये ध्यान रख लें या दिमाग में रख लें कि हमारे पास चार डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं ए और बी की. और कल मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी, इंशाल्लाह जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे तो वो टेबल मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा और उसके बारे में बात करेंगे. तो देखें, इसके अंदर जो ए है वो ए और बी है, एक ओमेगा है, एक साई है, यानी सेकेंड एंड थर्ड लास्ट कॉलम, तो ए और बी की वैल्यूज़ हैं. अब इनमें से जो दो इक्वेशन है ना, आर के और एस आर के इक्वेशन, इसमें आप देखें कि कोइंसिडेंटली ए और बी की वैल्यूज सेम आ रही हैं. कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, इसके अंदर सेम इसलिए थोड़ी बहुत आ रही हैं बिकॉज एस आर के इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ आर के. आर के इज डिफरेंट फ्रॉम वान डर वाल, पी आर इज डिफरेंट फ्रॉम वान डर वाल. आर के है वो, जो एस आर के है वो एक मॉडिफिकेशन है आर के इक्वेशन का. तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसको यूं देख लें कि आर के अगर सर्कल है तो एस आर के क्या है, क्यूब है, सॉरी क्यूब नहीं, स्फीयर है. या आर के अगर स्क्वायर है तो एस आर के क्या है, क्यूब है. उसका एक 3D वर्जन है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है. इसलिए यहाँ पर इन्होंने ए और बी की वैल्यूज सेम कंटिन्यू डिटरमिन की भी हैं. इससे पहले मैं आगे जाऊं या टेबल्स रीड करूं, हमें टेबल अंडरस्टैंड करनी चाहिए प्योर प्रॉपर्टीज़ के लिए. कुछ स्नैप्स, सम स्नैप्स आई हैव टेकन फ्रॉम द डेटा एंड आई हैव कॉपीड इट, बट इफ़ यू रियली वांट टू लुक एट इट, यू गो ऑन पेज 650, टेबल B1. इफ़ आई गो ऑन 650, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस टेबल बिकॉज इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड the properties of pure species. जब आप ये properties देखें, देखें टेबल रीड किस तरह करते हैं. टेबल में आपको मल्टीपल components दिए हुए हैं,
मीथेन दिया हुआ है, इथेन दिया हुआ है, प्रोपेन दिया हुआ है, सबका एक मोलर मास दिया हुआ है, यू डोंट नीड द मोलर मास। उसके बाद एक सिंबल है ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज नोन एज द असेंट्रिक फैक्टर। व्हाट इज द असेंट्रिक फैक्टर? वी विल टॉक अबाउट इट, मगर ये मैं आपको सिर्फ आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद आपको क्रिटिकल टेम्परेचर दिया है विच इज़ इन टर्म्स ऑफ केल्विन, क्रिटिकल प्रेशर दिया है विच इज़ इन टर्म ऑफ बार, द क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दिया है, वीसी आपको क्रिटिकल स्पेसिफिक वॉल्यूम दी हुई है बिकॉज दिस इज क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल, एंड लास्टली इट इज़ द टीएन आई थिंक वॉज द मोलर टेम्परेचर, स्पेसिफिक मोलर टेम्परेचर था या क्या था? जस्ट गिव मी अ मिनट। टीएन क्या होता है? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, टीएन जो है वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस है। व्हाई दीज थिंग्स आर गिवन? दीज थिंग्स आर गिवन बिकॉज यू आर डीलिंग विद कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ओवर हियर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए एक रिलेशन होता है जहाँ पर आपको रिड्यूस टेम्परेचर और रिड्यूस प्रॉपर्टीज को आपस में मर्ज करना पड़ता है। रिड्यूस प्रॉपर्टी क्या होती है? रिड्यूस प्रॉपर्टी इज द एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द क्रिटिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। इसलिए यहाँ पर क्रिटिकल डेटा आपको दिया गया है। अब आपको सिर्फ एक चीज़ क्लियर रखनी है कि आपको यूनिट कंसिस्टेंसी करनी है। अगर आपका क्रिटिकल डेटा केल्विन के अंदर है और रिड्यूस डेटा सेंटीग्रेड में है तो आप उसको रिड्यूस नहीं, एब्सोल्यूट डेटा, क्योंकि रिड्यूस डेटा के तो यूनिट होंगे नहीं, रिड्यूस डेटा इज रेशियो, तो आपको दोनों में से एक को सेम यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। चाहे आप प्रेशर को कन्वर्ट करें, चाहे आप टेम्परेचर को कन्वर्ट करें, जब ये आपस में कैंसिल होंगे तो यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं। तो इट डज नॉट मैटर वेदर यू चेंज इट इनटू बार, वेदर यू चेंज इट इनटू पास्कल, वेदर यू चेंज इट इनटू टोर, दे विल कट आउट। बट क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट जेड एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और आर इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, माई रिकमेंडेशन इज टू कीप एवरी थिंग इन एस आई यूनिट्स। उसकी वजह यह है जो मैं बार बार बता चुका हूँ कि आर 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन कैन ओनली बी टेकन इफ योर एस आई यूनिट्स इफ़ योर क्वेश्चन इज इन एस आई यूनिट्स। अगर एस आई यूनिट्स के अंदर नहीं है तो आर की वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल देर इज वन वैल्यू 82.314, उसके अंदर आप वॉल्यूम को क्यूबिक सेंटीमीटर में लेते हो, प्रेशर को किलो पास्कल में लेते हो, तो ये चेंजेस आ जाते हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप इसको एसआई यूनिट्स के अंदर फॉलो करो। अब टेबल किस तरह रीड करेंगे ये तो पहले मैंने आपको टेबल बता दी है। आपको जो भी कंपोनेंट दिया जाए ना, आप टेबल में जाना, टेबल से रीड करना, कोई मसला नहीं है। हर कंपोनेंट यहाँ पर डेटा के अंदर दी गई जाती है यहाँ पर। अच्छा, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, दिस इज द रेल्डिक क्वांग इक्वेशन, आर के इक्वेशन, जिस तरह वांडरवाल इक्वेशन डिराइव हुआ था। व्हाट वाज वांडरवाल इक्वेशन? आर टी वी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर। दिस इक्वेशन यू शुड नो, द अदर इक्वेशंस यू डोंट हैव टू लर्न। इसके अंदर क्या है? आर के इक्वेशन में, आर के इक्वेशन में आप ये देखें, इट इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ वांडरवाल। पहला जो टर्म है वो सेम है, आर टी वी माइनस बी इज द सेम। सेकेंड थिंग क्या है, माइनस ए भी ऊपर सेम है। फर्क क्या आ रहा है कि नीचे अगर आप देखें तो रूट टी है, उसके बाजू में वी है। जो वी है वो रूट टी का हिस्सा नहीं है, वी के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट सिर्फ टी के ऊपर है, और ब्रैकेट के अंदर v प्लस बी है, यानी इसके अंदर भी करेक्टिव फैक्टर ऐड हो रहा है। अगर कोई ये मुझे चैलेंज करे कि ये क्यूबिक इक्वेशन नहीं है, ये भी क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि ये v इस v से मल्टीप्लाई हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा, और एक v और आ जाएगा तो v इसके भी तीन रूट निकलेंगे। दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। समटाइम्स यू राइट आर के इक्वेशन इन दिस फॉर्म, आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए टी टू द पावर माइनस हाफ।
क्योंकि अगर मैं स्क्वायर रूट टी को ऊपर ले जाऊं तो मेरा क्या बन जाएगा, टी टू द पावर माइनस हाफ बन जाएगा, और नीचे लिखा होता है वी ब्रैकेट वी प्लस बी, दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ राइटिंग द आर के इक्वेशन. आसान तरीका क्या है कि अगर मैं आपको इक्वेशन दूं, आप आइडेंटिफाई कैसे कर लें कि ये आर के इक्वेशन है, टी का पावर हाफ होगा यहाँ पर, या हाफ होगा या स्क्वायर रूट में होगा, और अगर टी ऊपर होगा तो पावर माइनस हाफ होगा. सो दैट इज वन ईजी वे टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज द आर के इक्वेशन. आई विल टीच यू हाउ टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन आर के इक्वेशन, एस आर के इक्वेशन एंड पेंग रॉबिन्सन इक्वेशन. So all you need to know is, you just need to know this formula, because if you know the formula, you can solve the equation. Formula is given to you. You just need to know how to apply the formula, not even learn the formula. So you need to know the species A and B to solve the equation. So A kis tarah determine kiya gaya hai? 0.42748 R square TC 5 upon 2 upon TC. Ye relations aapko diye gaye honge. Ye relations aapko nahi nikalne hain. ये एक्सपर्ट्स ने पहले से ही निकाल दिए हैं कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है. अब ये जो ए और बी की वैल्यू है, ये कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है रिड्यूस टेम्परेचर के ऊपर और रिड्यूस प्रेशर के ऊपर. अगर मैं अपना टीसी की वैल्यू चेंज कर दूंगा तो मेरी ए की वैल्यू कोई दूसरी वैल्यू बनेगी, अगर मैं बी की वैल्यू पीसी चेंज कर दूंगा तो मेरी वैल्यू दूसरी बनेगी. दिस डिपेंड्स अपॉन योर कंडीशन, बट जो मेन जो कॉन्स्टेंट्स है ना, 0.42748 एंड 0.08664, दैट विल बी सेम फॉर एवरी कंपोनेंट एवरी स्पीसी. द ओनली डिफरेंस वुड बी द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. बात यहाँ तक समझ आई? अगर नहीं समझ आई तो अभी क्वेश्चन पूछ लें, आ गई है तो फिर मुझे बोल दें, मैं आगे मूव फॉरवर्ड कर दूंगा. ओके, आ गई. इस पूरे इक्वेशन में कुछ है नहीं, सिर्फ आपको इक्वेशन यूज करना आना चाहिए, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा. अभी मैंने न्यूमेरिकल की तरफ तो गया ही नहीं हूं. चलें, मैंने कुछ आपको टेबल में जिक्र किया था एसेंट्रिक फैक्टर. अब बात करते हैं एसेंट्रिक फैक्टर होता क्या है. अच्छा, एक्सपेरिमेंट्स शो दैट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड फॉर डिफरेंट फ्लूइड्स एग्जिबिट सिमिलर बिहेवियर व्हेन कोरिलेटेड एज अ फंक्शन ऑफ रिड्यूस टेम्परेचर एंड रिड्यूस प्रेशर. इसका मतलब ये हुआ कि जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट की है, उन्होंने कहा है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड है ना, वो डिफरेंट फ्लूइड्स के लिए सिमिलर बिहेवियर करता है जब वो कोरिलेट करता है फंक्शन ऑफ रिड्यूस टेम्परेचर एंड रिड्यूस प्रेशर के ऊपर. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब हम डिफरेंट फ्लूइड्स लें और हम जेड को स्टडी करें तो उसका जो बिहेवियर है ना, वो सिमिलर है. एग्जांपल क्या है, शुरू के अंदर मैंने आपको एक कंप्रेसिबिलिटी चार्ट दिखाया था चार पांच गैसेस के लिए, जिधर मैंने आपको बोला वो मतलब लो प्रेशर के लिए किया था. एक गैस के लिए दिखाया था मीथेन, उसका जो स्टार्टिंग जेड था उसका शेप ए की पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था और तमाम गैसेस के लिए वो कर्व होता है. तो बाय दैट कर्व इट मींस दैट इट एग्जिबिट्स सिमिलर बिहेवियर. आगे जाकर क्या होता है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट स्टार्टिंग जो होती है उसकी तमाम चीज़ों के लिए, गैसेस के लिए या फ्लूइड्स के लिए, वो सिमिलर होती है. एक बात और नोट कर लें, अगर मैंने आपसे बोला व्हाट इज जेड डिपेंडेंट अपॉन, जेड इज डिपेंडेंट अपॉन टू पैरामीटर्स विच आर रिड्यूस टेम्परेचर एंड रिड्यूस प्रेशर, और इसके अंदर भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है. जब हम जेड ढूंढ रहे थे कंप्रेसिबिलिटी चार्ट से, तो हमें कौन से तीन पैरामीटर्स मालूम करने थे? एक जेड, एक रिड्यूस टेम्परेचर और एक रिड्यूस प्रेशर. यही था ना, जब पहली दफ़ा मैंने आपको ग्राफ से सिखाया था कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको ये तीन पैरामीटर्स मालूम होने चाहिए. सो जेड इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ रिड्यूस टेम्परेचर एंड रिड्यूस प्रेशर. दैट इज वाई आई अगेन रिपीट, कल मैंने यही बात कही थी कि कभी भी क्यूबिक इक्वेशन ऑफ स्टेट का या इक्वेशन ऑफ स्टेट का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले रिड्यूस टेम्परेचर और रिड्यूस प्रेशर निकाल लें, ये कहीं ना कहीं आपको यूज करना पड़ेगा. चलें, ये भी जो होता है ना जेड, ये डायमेंशनलेस प्रॉपर्टीज होती हैं, ये तीनों डायमेंशनलेस होती है, जेड भी, रिड्यूस टेम्परेचर भी, रिड्यूस प्रेशर भी.
these dimensionless properties are basis for the simplest form of the theorem. Theorem क्या है? All fluids का मतलब ये है तमाम gases, तमाम liquids. All fluids when compared at the same reduced temperature and pressure. Condition क्या है? They should have the same reduced temperature and reduced pressure. They have approximately the same compressibility factor and all deviate from the ideal gas behavior to about the same degree. अगर आप हेक्सेन ले लें, हेप्टेन ले लें, ऑक्टेन ले लें, अगर इनका रिड्यूस टेम्परेचर और रिड्यूस प्रेशर सेम हुआ तो इनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी तकरीबन सेम होगा, और अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर सेम हो गया तो इनका डिविएशन भी आइडियल गैस वैल्यू से सेम होगा. फॉर एग्जांपल, अगर मेरा हेप्टेन का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 0.9 निकला, ऑक्टेन का 0.9 निकला, हेप्टेन का 0.9 निकला, इसका मतलब अगर मैं उसको आइडियल गैस से कंपेयर करूं तो तीनों की वैल्यू एक है, तीनों का डिविएशन सेम होगा. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर ये है, जिस पे स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं, वो ये करते हैं कि अब ये देखें ना, ऑल फ्लूइड्स व्हेन कंपेयर्ड एट द सेम रिड्यूस टेम्परेचर एंड प्रेशर. देखें, रिड्यूस टेम्परेचर और रिड्यूस प्रेशर जो है ना, वो एक रेशियो है, तो आप उसकी रेशियो वैल्यूज देखेगा, एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं देखेगा. फॉर एग्जाम्पल, कोई मुझे ये चैलेंज कर सकता है कि अगर मैं बात करूँ इसकी, अगर मैं बात करूँ हेक्सेन की, या चलें पहले दो कंपोनेंट देख लें, साइक्लोपेंटेन देख लें, साइक्लोहेक्सेन देख लें. मैं अभी रिड्यूस टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ. साइक्लोहेक्सेन की अगर मैं, साइक्लोपेंटेन की मैं बात करूँ, तो इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 511 है. रफली हम 500 अज्यूम कर लेते हैं, रफली. साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं हम, इसको 550 अज्यूम कर रहे हैं. अपने क्वेश्चन में अज्यूम नहीं करिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ. साइक्लोपेंटेन है 500, साइक्लोहेक्सेन है 550, कोई मसला नहीं है. अगर मैंने आपको रिड्यूस टेम्परेचर के अंदर बोला कि जो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ साइक्लोपेंटेन है ना, वो है लेट्स से 1000 डिवाइडेड बाय 500 कितना हो गया, 2 हो गया. और साइक्लोहेक्सेन मैंने आपको कहा टेम्परेचर 1100 के ऊपर है, 1100 डिवाइड बाय 550 कितना हो गया, ये भी 2 हो गया. बात समझ आई? तो आप इन दोनों का रिड्यूस टेम्परेचर और रिड्यूस प्रेशर कंपेयर कर रहे हो, यानी रेशियो कंपेयर कर रहे हो, एब्सोल्यूट वैल्यू कंपेयर नहीं कर रहे हो. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एब्सोल्यूट वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो बोलते हैं ये पॉसिबल नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यूज डिफरेंट हैं. 1100 इज नॉट द सेम एज 1150, 1100 इज नॉट द सेम एज 1150. वी आर कंपेयरिंग द रेशियोज, इट इज एनालॉगस टू द हीट इंजन. जहां पर मैंने आपको कार्नट क्लॉसियस आइडेंटिटी बताई थी, वो वाली के QC अपॉन QH इज इक्वल टू TC अपॉन TH, वहाँ पर मैंने आपको रेशियो बताया था कि आप रेशियो देखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं देखेंगे, बिकॉज QC इज नॉट द सेम एज TC. QC इज अ यूनिट ऑफ हीट, TC इज अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर, हीट इज नॉट द सेम एज टेम्परेचर. बात समझ आई मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ इसके अंदर, कि एसेंट्रिक फैक्टर्स के अंदर आप रेशियो देखते हैं रिड्यूस टेम्परेचर और रिड्यूस प्रेशर का. अगर ये रेशियो सेम हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर सेम हो गई हर कंपोनेंट की, और अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर सेम हो गई तो इसका क्या मतलब हो गया कि डिविएशन भी सेम हो गया. तो अगर मैंने आपसे एक एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ लिया, सपोज आई हैव 3 गैसेस, हेप्टेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, they have different absolute temperatures. ये भी मैंने आपको बता दिया कि एक का temperature 400 है, एक का 500 है, एक का 600 है. Is it possible for them to have the same deviation from an ideal gas? Conceptual है, कोई numerical नहीं है इसके अंदर. आप क्या बोलेंगे? Yes, it is possible.
उसको डिस अगर मेरा ये क्वेश्चन है डिस्कस, उसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे या डिस्कस कैसे करेंगे, आप ये बोलेंगे कि द डिविएशन ऑफ द आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द रिड्यूस टेम्परेचर एंड रिड्यूस प्रेशर. सिंस द रिड्यूस टेम्परेचर एंड रिड्यूस प्रेशर आर नॉट एब्सोल्यूट वैल्यूज बट दे आर रेशियोज, इफ द रेशियोज ऑफ दीज थ्री टेम्परेचर्स with respect to their critical temperatures or their critical pressures turns out to be same, example 0.5 0.5 0.5, then the compressibility factor for all the three gases would be the same, and with respect to this the deviation from the ideal gas behavior for all the three gases would be same. Hence this theorem is proved that three gases at three different temperatures can have the same compressibility factor and the same deviation. कोई मसला है? कोई बात क्लियर नहीं हुई है तो मुझे बताएं. सर ये कॉन्सेंट्रिक फैक्टर की डेफिनेशन क्या होगी सर? एसेंट्रिक फैक्टर के ऊपर मैं अभी आया ही नहीं हूँ, मैं तो अभी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात कर रहा हूँ. ओके सर. सही है. ये मैंने सिर्फ अभी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को डिफाइन किया है. ओके चले, अब अगला पॉइंट आ जाए सर. द फॉर जी सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर. मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ना ये अभी जो हम टेम्परेचर देख रहे हैं चार्ट से सर, वो डिफरेंट है, लेकिन हमने एज्यूम करा है कि हम उसको सेम बना के फिर हम क्रिटिकल टेम्परेचर रिड्यूस टेम्परेचर और प्रेशर निकाल लें, तब तब जाके सेम आ रहा है. लेकिन सर डिफरेंट टेम्परेचर है तब तो फिर सेम नहीं आएगा ना. डिफरेंट टेम्परेचर है तो सेम आएगा भी नहीं, तो उस तरह का आपको क्वेश्चन भी फेस नहीं मिलेगा. अगर आपको ये क्वेश्चन अगर रिटर्न में आता सही है तो आपको नहीं मिलेगा, मगर आप उसके अंदर ये भी ये जो पॉइंट है ये आप ऐड कर सकती थी कि दिस इज ओनली कीपिंग के रेशियो सेम है. ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर सेम होगा दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ईच ऑफ देम हैव अ डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर. तो अगर लेट्स से मैं तीन डिफरेंट गैसेस तीन डिफरेंट टेम्परेचर्स पे करूँ then it is possible, मगर अगर मैं एक binary mixture ले लूँ या तीन component इकट्ठे ले लूँ then it is not possible. आम तौर पर जब आप cubic equation और state से solution निकालते हैं आप mixtures पर नहीं निकालते हैं, आप single component पर निकालते हैं. जितने भी question आप देखेंगी आप single component पर देखेंगी. mixture पर possible है मगर थोड़ा बहुत मेहनत करना है, मगर ये point आपका बिल्कुल valid है कि अगर टेम्परेचर मैं सेम ले लूं देन दिस फिनोमिना इज नॉट पॉसिबल. दिस फिनोमिना इज ओनली पॉसिबल इफ द टेम्परेचर इज डिफरेंट, बिकॉज ओनली अंडर दैट कंडीशन यू विल गेट द सेम वैल्यू फॉर रिड्यूस टेम्परेचर एंड रिड्यूस प्रेशर, अदरवाइज नॉट पॉसिबल. तो यू कुड ऑलवेज ऐड दैट, बट इफ यू डू नॉट ऐड दैट देन इट डजेंट मैटर, क्योंकि मैंने ये पूछा नहीं था. अगर मैं आपसे दूसरा पार्ट ये पूछ लेता, सपोज वेन इज दिस इम्पॉसिबल, वेन इज द फिनोमिना इम्पॉसिबल, इस तरह कर कर पूछता तो आप मजीद ऐड कर सकती थी, मगर जो आपका पॉइंट है वो बिल्कुल वैलिड है. आगे चलूं? यस सर. चलें. द कॉरिस्पॉन्डिंग स्टेट्स को रिलेटिंग द कॉरिस्पॉन्डिंग स्टेट्स को रिलेशन ऑफ जेड बेस्ड ऑन दिस थियोरम इज ऑन टू पैरामीटर को रिलेशन. टू पैरामीटर को रिलेशन कौन से हैं? TR, PR. It is only based on two parameters, which are the reduced temperature and reduced pressure. इसीलिए मैं बार बार बोलकर थक गया था, जब भी आप Z की बात करते हैं always keep in mind reduced temperature and reduced pressure. मगर आपको मैं एक और common mistake बोल दूँ कि बच्चे क्या करते हैं, और ये बहुत common mistake है, ये वाइवा में भी हुई थी और यकीनन exam में भी होगी. अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि define the compressibility factor, ये मैंने बोल दिया, तो कम से कम मेरे पास दो या तीन बच्चे ये बोल देंगे compressibility factor is the ratio between the reduced temperature and reduced pressure. That is incorrect. Compressibility factor is not the ratio between reduced temperature and reduced pressure. It is a link between the reduced temperature and reduced pressure. Chart के ऊपर जो देखा जाता है, कभी भी मैंने chart के ऊपर TR और PR को divide नहीं किया था. मैंने टी आर की वैल्यू अलग ढूंढी थी, पी आर की अलग ढूंढी थी और ग्राफ से उसको रीड किया था. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन ये है, इट इज द डिविएशन ऑफ अ रियल गैस फ्रॉम द आइडियल गैस
provided that the ideal gas is under the same conditions of temperature and pressure as that of the real gas. That is the definition of compressibility factor. In other words, Z is equal to PV upon RT. क्या था एक सेकेंड यही था ना हाँ PV is equal to ZRT. So Z is equal to RT upon P. That is the mathematical formula of a compressibility factor. चलें these correlations are exact and for simple fluids. Important point, ये जो आपने TR और PR निकाला है ना ये simple fluids के अंदर है simple fluid है. जब हम fluid की बात करते हैं there are two categories. Category 1 gases, category 2 liquids. अब उसके अंदर भी further two categories हो जाती हैं. पहली category हो जाती है simple fluid, दूसरी category हो जाती है complex fluid. जो आपकी simple fluid है ना उसके अंदर आप TR और PR निकाल देते हैं. I am repeating, all simple fluids are based on two parameters, reduced temperature, reduced pressure. In other words, simple fluids are a function of two parameters, the temperature and the pressure. मैं इसलिए बोल सकता हूँ temperature and pressure, because critical temperature या reduced temperature and reduced pressure is a function of temperature and pressure. क्योंकि उसका definition ही क्या है? Temperature upon critical temperature, pressure upon critical pressure. Deviations are observed in more complex fluid. अगर आप complex fluid लो, तो उसके अंदर deviations आना शुरू हो जाते हैं. तो experts ने क्या found out किया? कि अगर हमें अपने results improve करने हैं, तो हम एक third parameter डालते हैं दूसरे दो के साथ, which is known as the eccentric factor denoted by omega and is a characteristic of molecular structure. तो किसी ने पूछा था, what is an eccentric factor? An eccentric factor is a parameter used in complex fluid which is denoted by omega and it is a characteristic of molecular structure. मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्यों? जितना उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वो कॉम्प्लेक्स होगा वो फ्लूइड, उतना आप उसके अंदर एसेंट्रिक फैक्टर यूज करेंगे. क्लियर हुआ? सर एक बार रिपीट कर दें सर. यार ये लिखे हुए यहाँ नहीं होते, दिमाग से बनते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. अच्छा अगर आपको एसेंट्रिक फैक्टर डिफाइन करना हो, एन एसेंट्रिक फैक्टर इज अ पैरामीटर यूज्ड फॉर अ कॉम्प्लेक्स फ्लूइड विथ एडिशन टू द टू पैरामीटर्स रिड्यूस्ड टेम्परेचर एंड रिड्यूस्ड प्रेशर विच इज डिनोटेड बाय ओमेगा एंड इज अ फंक्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. इन अदर वर्ड्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, यानी जितना वो कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज्यादा आपकी एसेंट्रिक फैक्टर की वैल्यू बढ़ेगी. एसेंट्रिक फैक्टर फॉर अ प्योर केमिकल स्पीसी इज डिफाइंड विथ रेफरेंस टू वेपर प्रेशर. मगर अगर हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए ना एसेंट्रिक फैक्टर का, ये तो ऊपर तो मैंने आपको लेमैन डेफिनेशन दिया. अगर मुझे एग्जैक्टली डिफाइन चाहिए कि एसेंट्रिक फैक्टर आया कहाँ से है, उसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ से है, उसका स्टैंडर्ड कहाँ से है, तो एसेंट्रिक फैक्टर का जो स्टैंडर्ड होता है ना वो वेपर प्रेशर होता है. जिस तरह कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का स्टैंडर्ड क्या होता है? आइडियल गैस, बिकॉज द रियल गैस इज बीइंग कंपेयर्ड टू एन आइडियल गैस. एसेंट्रिक फैक्टर का स्टैंडर्ड क्या होता है? वेपर प्रेशर. अब वेपर प्रेशर क्या चीज़ है? वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ वेपर, यानी वो प्रेशर जो एक वेपर एग्जर्ट करता है जब वो एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है अपने कंडेंस्ड फेज के अंदर. रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट टू फेजेस ओवर हियर, लिक्विड एंड वेपर. तो जब वो अपने कंडेंस्ड फेज के ऊपर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे होता है उस गिवन टेम्परेचर के ऊपर, वो जो चीज है ना उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं. वेपर प्रेशर ऑफ एवरी कंपोनेंट इज डिफरेंट.
क्योंकि हेक्सेन का गिवन टेम्परेचर अलग होगा, हेप्टेन का अलग होगा, ऑक्टेन का अलग होगा। तो अगर आपसे कोई वेपर प्रेशर का वेपर प्रेशर का डेफिनेशन बोले तो सिर्फ ये बोल दीजिएगा कि इट इज द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय अ वेपर इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ इट्स कंडेंस्ड फेस एट अ गिवन टेम्परेचर विच कैन बी एनी गिवन टेम्परेचर। आई डोंट नो द गिवन टेम्परेचर फॉर एनी पर्टिकुलर कंपोनेंट। मैथमेटिकली एसेंट्रिक फैक्टर कैसे डिफाइन होता है? Mathematically, eccentric factor is defined as omega is equal to minus 1 minus log saturated PR at PR is equal to 0.7. ये relation आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ये eccentric factors data के अंदर दिए गए होते हैं। सिर्फ आपको दो चीज़ें याद करने की ज़रूरत है। एक चीज आपको ये मालूम होना चाहिए कि एसेंट्रिक फैक्टर जो है ना वो डिफाइन होता है रिड्यूस टेम्परेचर 0.7। आई डू नॉट नो व्हाई दे चोज 0.7। हो सकता है 0.7 के ऊपर उनको वैल्यूज एग्जैक्ट मिलना शुरू हो गई तो उन्होंने बेस 0.7 बना लिया, मगर हर स्पीसी का जो रेफरेंस पॉइंट है ना वो 0.7 रिड्यूस टेम्परेचर है। तो एक बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जितनी भी एसेंट्रिक फैक्टर की वैल्यू है ना वो TR 0.7 के ऊपर है। और दूसरी चीज़ आपको ये मालूम होनी चाहिए कि एसेंट्रिक फैक्टर जो है ना वो बनता है विद द हेल्प ऑफ द अदर टू पैरामीटर्स रिड्यूस टेम्परेचर एंड रिड्यूस प्रेशर। और आप वही चीज़ देखें कि इस मैथमेटिकल फार्मूला के अंदर ये दोनों चीज़ें हैं, इट इज़ एट रिड्यूस टेम्परेचर 0.7, It is at reduced pressure. और ऊपर जो saturated लिखा है उसका मतलब है it is at reduced saturated pressure, which in other words is the vapor pressure. क्योंकि इसने इसको उसके ऊपर बनाया था, अब ये ज़्यादा गैस अपने अंदर ले नहीं सकता है, ये saturated pressure के ऊपर हो गया है। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन बताई थी। रिजल्ट्स आर इम्प्रूव्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ थर्ड पैरामीटर टू द अदर टू विच इज नोन एज द एसेंट्रिक फैक्टर। थर्ड पैरामीटर क्या है? एसेंट्रिक फैक्टर। और एसेंट्रिक फैक्टर किसके अंदर इंक्लूडेड है? पी आर के साथ और टी आर के साथ। कंडीशन क्या है? टी आर को लाजमी 0.7 होना ज़रूरी है। ये प्रोबेबली मेरा एक वाइवा क्वेश्चन हो सकता है कि एसेंट्रिक फैक्टर की वैल्यू क्या है। इससे ज़्यादा मैं आपसे नहीं पूछूंगा, आपसे डिराइव करने को नहीं पूछूंगा, आपको ये डिनोट करने को नहीं पूछूंगा, ये बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू लर्निंग फार्मूलाज, आई एम इंटरेस्टेड इन यू अप्लाइंग देम। येस द बेसिक फार्मूलाज यू शुड नो, बट द एडवांस थिंग्स एवरी फार्मूला वुड बी गिवन एट द एग्जाम। आपके पास एक पूरा डेटा शीट होगी, आपके पास पूरा पेपर्स के अंदर सब कुछ मैंशन होगा। Values of the eccentric factor and critical constants can be obtained from literature. What is literature? This is literature. When information would be given to you for every component, you can take out the eccentric factor directly from here. Agar main bolu cyclopentane ka eccentric factor 0.196 hai, iska kya matlab hua? Iska matlab ye hua ki cyclopentane कोई सैचुरेटेड रिड्यूस प्रेशर के ऊपर था जहां पर इसका रिड्यूस टेम्परेचर 0.7 था। अगर मैं बोलूं वन ब्यूटीन 0.191 है, 0.191 वैल्यू कोई सैचुरेटेड रिड्यूस प्रेशर की वैल्यू है एट अ रिड्यूस टेम्परेचर एट 0.7। कॉमन पॉइंट इज दैट every reduced temperature for every one of these things would be 0.7 if the eccentric factor is involved. तो अब आपने क्या सीख लिया? आपने ये सीख लिया कि eccentric factor होता है पहली बात complex fluid के लिए, दूसरी बात कि इसके अंदर reduced temperature 0.7 होता है, तीसरी बात it is a link between the reduced temperature and reduced pressure, यानी ये तीनों parameters आपस में मिलते हैं, चौथी बात के ये कैरेक्टरिस्टिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है। तो ये चार चीजें आपको मालूम होनी चाहिए एसेंट्रिक फैक्टर के अंदर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और एसेंट्रिक फैक्टर के बीच में मेजर फर्क क्या है? क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि मैं आपको डिफरेंसेस पूछ सकता हूँ फॉर सिमिलर टर्म्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आइसोकोरिक आइसोबैरिक प्रोसेस डिफरेंस, हीट इंजन हीट पंप डिफरेंस,
सिमिलर टर्म्स, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, एसेंट्रिक फैक्टर, डिफरेंस. सिमिलैरिटी इज बोथ आर रेशियो, किसी में यूनिट्स नहीं है. बोथ आर यूज फॉर फ्लूइड्स टू गेट देयर प्रॉपर्टीज. डिफरेंस क्या, डिफरेंस इज द मेन डिफरेंस. ये नहीं बोलिएगा कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज यूज फॉर सिंपल फ्लूइड एंड एसेंट्रिक इज यूज फॉर कॉम्प्लेक्स. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैन बी यूज फॉर बोथ फ्लूइड्स. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर सिंपल के लिए भी यूज हो सकता है, लेटर के लिए भी यूज हो सकता है, क्योंकि दोनों के अंदर पी आर और टी आर चाहिए. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ही पी आर टी आर निकालेगा. द मेन डिफरेंस और द ओनली डिफरेंस दैट यू शुड राइट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज बेस्ड ऑन टू पैरामीटर्स विच आर रिड्यूस टेम्परेचर, रिड्यूस प्रेशर. एसेंट्रिक फैक्टर इज बेस्ड ऑन थ्री पैरामीटर्स, रिड्यूस टेम्परेचर, रिड्यूस प्रेशर एंड द एसेंट्रिक फैक्टर फॉर अ कॉम्प्लेक्स फ्लूइड. ये उसकी मेन डेफिनेशन है कि तीन तीन पैरामीटर इसके अंदर होंगे. सर तीसरा पैरामीटर कौन सा बताया आप? तीसरा पैरामीटर एसेंट्रिक एसेंट्रिक फैक्टर खुद ही है. मतलब आप यूं बोलें उसको एसेंट्रिक फैक्टर. अगर मैंने आपसे ये बोला ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेंट्रिक फैक्टर एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज अ रेशियो. Compressibility factor is a ratio which is based on two parameters, the reduced temperature and the reduced pressure, and it can be used for anything, a complex fluid as well as a simple fluid. Eccentric factor is also a ratio which is only used for a complex fluid or complex equations, and It consists of three parameters including itself, which are eccentric factor, reduced temperature, reduced pressure. यानि तीन parameters हैं. एक parameter eccentric factor खुद ही है. मैं difference किस चीज़ के बारे में ला रहा हूँ, compressibility factor और eccentric factor, क्योंकि इनका जो नाम है ना वो more or less similar है. अगर मैं आपको कोई दो चीज़ के बीच में डिफरेंस दूंगा तो ऐसी दो चीज़ों के बीच में दूंगा जिनका नाम सिमिलर होता है. नाम देखें ना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, एसेंट्रिक फैक्टर, हीट पंप, हीट इंजन, कार्नट साइकिल, रिवर्स कार्नट साइकिल या कार्नट साइकिल रेफ्रिजरेशन साइकिल. इस तरह की मैं आपको टर्मिनोलॉजीज दूंगा जब मैं आपको थ्योरी दूंगा. अच्छा जी, अब देखें, अब आ गया आपका एस आर के इक्वेशन. सर जी, सर ये एसेंट्रिक फैक्टर तो सर ये रेशियो तो नहीं है सर. एसेंट्रिक फैक्टर, डिड आई से रेशियो? माय मिस्टेक. एसेंट्रिक फैक्टर इज नॉट अ रेशियो, इट्स जस्ट अ पैरामीटर. सॉरी, प्लीज करेक्ट इट. आई विल डिफाइन इट. एक सेकंड, फॉलो दिस डेफिनेशन. आई एम रीडिफाइनिंग समथिंग. Difference between compressibility factor and the eccentric factor. This is the correct answer. Compressibility factor is based on two parameters, which are the reduced temperature and the reduced pressure, and it is a ratio. Eccentric factor is used in complex fluid. And a complex fluid uses three parameters in which two of them are reduced temperature and reduced pressure, while the third one itself is the eccentric factor. सही है? चलें. Yes, sir. अब देखें कि ये तीसरा equation आ गया. अब देखें equation थोड़ी सी complex होई जा रही है. Suave modification of the Redlich-Quong equation, जिसको हम SRK बोलते हैं. जो VM है, that is the molar volume. Molar volume means volume upon mole, specific volume जिसका दूसरा नाम है molar volume. अगर आप ये equation देखें, तो इस equation के अंदर difference आपको क्या दिख रहा है जो दूसरी चीज़ में नहीं है? ए स्क्वायर और दो है यहाँ पर जी. तो सर दो है सर, ये वी एम देखें सर, वी वी एम है नहीं,
अगर आप एस आर के इक्वेशन देखें और पेंग रॉबिन्सन इक्वेशन देखें, ये दोनों इक्वेशन में जहां पर ए की वैल्यू है सेकंड पार्ट के अंदर, उसके साथ एक टर्म है अल्फा, सही है? पेंग रॉबिन्सन में ए के साथ एक टर्म है अल्फा, एस आर के अंदर ए के साथ एक टर्म है अल्फा, फॉर्मल आर के अंदर ए के साथ कोई टर्म नहीं है, और वेंडरवाल के अंदर ए के साथ कोई टर्म नहीं है। तो पहली चीज तो आप ये याद रख लें कि वंडरवॉल इक्वेशन एंड आर के इक्वेशन दे आर सिंपल क्यूबिक इक्वेशन, दोनों क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब चारों क्यूबिक इक्वेशन है। वंडरवॉल इक्वेशन एंड आर के इक्वेशन आर सिंपल क्यूबिक इक्वेशन, एस आर के इक्वेशन एंड पेंग रॉबिन्सन इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स क्यूबिक इक्वेशन। फर्स्ट डिफरेंस, सिंस वैन डर वाल इक्वेशन एंड आर के इक्वेशन आर सिंपल क्यूबिक इक्वेशन, दे आर डिपेंडेंट ओनली ऑन टू पैरामीटर्स विच आर रिड्यूस टेम्परेचर एंड रिड्यूस प्रेशर। इसके बाद आपको कोई इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं, कोई पैरामीटर निकालने की जरूरत नहीं है, रिड्यूस टेम्परेचर, रिड्यूस प्रेशर। सिंस द एस आर के इक्वेशन एंड द पेंग रॉबिन्सन इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू टेक आउट थ्री पैरामीटर्स, पैरामीटर नंबर वन एसेंट्रिक फैक्टर, पैरामीटर नंबर टू रिड्यूस टेम्परेचर, पैरामीटर नंबर थ्री रिड्यूस प्रेशर। जब आपको ये एस आर के की इक्वेशन दी गई है P इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी एम माइनस बी, तो उसके साथ अल्फा की भी वैल्यू दी गई होगी, तो आपको अल्फा की वैल्यू देखें, अल्फा के अंदर वन है, यहां पर आपका एसेंट्रिक फैक्टर इंक्लूड हो रहा है, ये इन टर्म्स ऑफ एसेंट्रिक फैक्टर है 1.55171 ओमेगा, 0.15613 ओमेगा स्क्वायर, और 1 माइनस टी आर ऑफ दैट कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, उसका पहले टी आर निकालना पड़ेगा और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले आप अल्फा निकालेंगे, और वो अल्फा की वैल्यू है उसको क्या करेंगे, जी इलेवन क्या करेंगे, देखें कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं बोल रहा हूं अगर मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, P इज इक्वल टू आर टी वी एम माइनस बी अल्फा ए वी एम वी एम प्लस बी, मुझे तमाम चीजें मालूम है, A और B भी मालूम है, सिर्फ क्या नहीं मालूम है, अल्फा नहीं मालूम है। तो पहले मुझे अल्फा ढूंढना पड़ेगा, यानी आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, पहले आपको ये आखिरी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी अल्फा निकालने के लिए, फिर आपको ये अल्फा की वैल्यू मेन इक्वेशन में डालनी पड़ेगी, तब जाकर आपको आपका सॉल्यूशन मिलेगा। दैट इज व्हाई दिस इज अ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, आपने एक एडिशनल स्टेप किया हुआ है, आपने पहले एसेंट्रिक फैक्टर की हेल्प से उस पैरामीटर अल्फा की वैल्यू निकाली है, फिर आपने अल्फा की वैल्यू से अपने एस आर के का इक्वेशन निकाला है, और यही चीज आप पेंग रॉबिन्सन में करेंगे, और पेंग रॉबिन्सन इज इवन मोर कॉम्प्लेक्स देन एस आर के इक्वेशन, विच इज व्हाई आई सेड दैट पेंग रॉबिन्सन इक्वेशन से कॉम्प्लेक्स आज तक कोई इक्वेशन नहीं मालूम मिली है। पेंग रॉबिन्सन देखें, इसके अंदर भी ए के साथ अल्फा है, अब अल्फा के रिलेशन के अंदर एक पैरामीटर और है जो ये कापा है, तो आपको पहले कापा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कैपा का भी रिलेशन आपको दिया गया होगा, एंड लुक एट कैपाज रिलेशन, कैपा के अंदर ओमेगा इंक्लूडेड है, यानी एसेंट्रिक फैक्टर का फिर रोल प्ले हो रहा है, तो पहले आपको एसेंट्रिक फैक्टर डालकर कैपा निकालना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन के अंदर आपको वो कैपा की वैल्यू डालकर अल्फा निकालनी पड़ेगी, थर्ड इक्वेशन में आपको अल्फा की वैल्यू पेंग रॉबिन्सन के मेन इक्वेशन में डालनी पड़ेगी, फाइंड द प्रेशर और द
volume or whatever you want to find out. Yani you have to do the whole thing 3 times. यार माइक किसका जा देखे मुझे एक आंसर दे दें यस या नो ताकि मुझे मालूम पड़े कि मैं वैसे बात नहीं कर रहा हूँ सबसे मतलब मुझे मालूम तो पड़े कि आप लोग को आती है नहीं अगर नहीं बोलते तो इसका मतलब मैं अज्यूम करता हूँ आपको आता है समझ आई बात यस सर बात बहुत मैं इसको रिपीट करता हूँ मैंने ये बोला कि हमारे पास 4 क्यूबिक इक्वेशंस हैं 4 क्यूबिक इक्वेशन में से 2 सिंपल क्यूबिक इक्वेशन है 2 कॉम्प्लेक्स क्यूबिक इक्वेशन है वैन डर वाल इक्वेशन आर के इक्वेशन दीज आर सिंपल इक्वेशन दे यूज रिड्यूस टेम्परेचर रिड्यूस प्रेशर एस आर के इक्वेशन पेंग रॉबिन्सन इक्वेशन दे आर कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस दे यूज 3 पैरामीटर्स 1 पैरामीटर इज एसेंट्रिक फैक्टर 2nd parameter is reduced temperature, 3rd parameter is reduced pressure. You need to back calculate and take out the values of the constant to go on the main equation. Yaane pehle aapne alpha nikalna padega ya in the case of Peng Robinson, pehle aapko kappa nikalna padega because kappa is directly linked to alpha and then you can take out alpha. What is alpha? We will discuss it later. सही है आज इंशाल्लाह वी हैव अ क्लास एट 12 o'clock एंड वी विल डिस्कस दिस फैक्टर एट 12 दिस इज